नियुक्ति तक कोई नहीं देता है, नियुक्ति तक कोई नहीं देता है। सुभाषपा विधायक बेदीराम का नाम पेपर लीक मामले से जुड़ गया है, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें अभ्यर्थी अपना पैसा मांगने विधायक के पास पहुंचा। इसी बात को लेकर विधायक और अभ्यर्थियों के बीच जमकर बहस हुई। रिजल्ट निकला जी, रिजल्ट निकला, रिजल्ट तक की बात होती है। क्या नौकरी कर ले, 10 साल नौकरी थोड़ी जो कराया हूँ, जब रिजल्ट निकल गया काम खत्म, पैसा दीजिए आप। बेदीराम गाजीपुर की जखनिया सीट से विधायक हैं। इससे पहले भी सुभाषपा विधायक रेलवे भर्ती पेपर लीक मामले में साल 2014 में गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि अभ्यर्थी द्वारा बनाए गए इस वीडियो की दैनिक भास्कर पुष्टि नहीं करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि अन्याय सुनकर चुप रहे ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने भाई को भी दंड देना धर्म है। इस नीति का पालन करते हुए माननीय विधायक जी पर कार्यवाही होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए इसी कानून के अंतर्गत। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। तो ये अभी आप वीडियो सुन रहे थे सुभाषपा विधायक बेदी राम को, और ये सुहेल देव राजभर जी की पार्टी है, उनके विधायक है, एनडीए के साथ में गठबंधन है। पूरे उत्तर प्रदेश में आज हड़कंप हो गया इस चीज को लेकर के, जहां पर सीएम योगी चुनाव के बाद में भर्तियों को लेकर के नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, वहीं पर आज इस तरीके के खुलासे से सभी लोग अब निशाना साध रहे हैं। यहां पर कांग्रेस ने अभी अभी एक ट्वीट किया है, लिखा नरेंद्र मोदी की पार्टी का सहयोगी विधायक नीट पेपर लीक का सरगना है। यूपी के इस विधायक का नाम बेदीराम है और इसका धंधा है देश में पेपर लीक करवाना और उससे पैसे बनाना। बेदीराम बीजेपी का चहेता और उनका करीबी है। और यहाँ पर लिखा है कि एनडीए विधायक बेदीराम का साफ कहना है कि देश में कोई भी पेपर लीक करवा सकता हूँ, बेदीराम पहले भी पेपर लीक मामले में जेल जा चुका है। लिखा बेदीराम पेपर लीक कराता है ये सबको पता है, इसके बाद में भी एनडीए में क्यों रखा गया। नीचे यहाँ पर लिखा कि यूपी के लोग बताते हैं कि बेदीराम खुले तौर पर नरेंद्र मोदी और सीएम योगी का नाम लेकर के रौब झाड़ता है और कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पेपर लीक होगा इसे कोई नहीं रोक सकता है। वहीं पर बिहार में जो पेपर लीक हुआ है नीट का, और बिहार के बहुत सारे जो शिक्षा माफिया हैं उन्होंने भी बेदीराम का नाम लिया। पर ये वीडियो देखिए, बड़े पेपर लीक माफिया बेदीराम का नाम सुना है इसका नाम बेदीराम जॉन को, वही किए थे हम लोग असिस्टेंट, विद्यार्थी लाइफ था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गया साथ, धरा गए जेल चल गया। तो बेदीराम कहां है इसमें? विधायक है यूपी में जखनिया, गाजीपुर में जखनिया विधानसभा, वो भी अरेस्ट हुए थे तो मेरे साथ जेल में। जिस शख्स का वीडियो आप देख रहे हैं ये है विजेंद्र गुप्ता। एक बार सुन लीजिए विजेंद्र गुप्ता क्या कह रहा है। विजेंद्र गुप्ता खुलकर कह रहा है कि इस देश का सबसे बड़ा पेपर लीक माफिया बेदीराम है। ये वही शख्स है जिसका पेपर लीक को लेकर इंडिया टुडे ने स्टिंग ऑपरेशन किया था और इसने जखनिया से सुभाषपा के विधायक बेदीराम को सबसे बड़ा पेपर लीक माफिया बता दिया था। इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदीराम का नाम सुना है ना? बेदीराम वही किए थे हम लोग असिस्टेंट, विद्यार्थी लाइफ था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गया साथ, धरा गए जेल चल गया। तो बेदीराम कहाँ है इसमें? विधायक है यूपी में जखनिया, गाजीपुर में जखनिया विधानसभा, वो भी अरेस्ट हुए थे तो मेरे साथ जेल में। लेकिन इस बीच यूपी तक के हाथ एक चिट्ठी लगी है। ये चिट्ठी 21 अगस्त 2014 की है और स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय ने इशू किया है। इस चिट्ठी में लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एसटीएफ के पुलिस महानिरीक्षक सुजीत पांडे ने जानकारी देते हुए लिखा है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद लखनऊ, अवगत कराना है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराने वाले गिरोह के सरगना एवं कुख्यात नकल माफिया बेदीराम पुत्र मन्नूराम निवासी 352 विकांत खंड गोमती नगर लखनऊ को संकलित अभिसूचना के आधार पर दिनांक 16/7/2014 को एसटीएफ द्वारा थाना क्षेत्र आशियाना लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त बेदीराम द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से निम्नलिखित संपत्तियां जनपद। तो ये विधायक पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और ये देख सकते हैं आप लोग, गिरफ्तार होने के बाद में ये फिर से अभी विधायक भी बन गया है। और जानकारी ये मिली है कि इनकी जो पत्नी है वो भी ब्लैक प्रमुख बन चुकी है। उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्यवाही कराया जाना व उसके द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क कराया जाना नितांत आवश्यक प्रतीत होता है। उल्लेखनीय है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उत्तर प्रदेश द्वारा इस संबंध में अनुमोदन किया जा चुका है।
नियुक्त द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को कुर्क कराने एवं उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करे। अगर इस चिट्ठी की माने तो बेदीराम के खिलाफ जब्दी कुर्की तक के लिए रिकमेंड किया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बेदीराम इतने बड़े पेपर लीक माफियाओं से ताल्लुक रखते हैं और इनका वीडियो भी वायरल हो चुका है, तो ऐसे में पुलिस इस मामले की जाँच के लिए बेदीराम से पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? अगर बेदीराम का जो वीडियो वायरल हुआ और उसे डीप फेक का नाम दिया जा रहा है, तो इस वीडियो की भी जाँच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हमने इस मामले पर विधायक बेदीराम का भी पक्ष लेना चाहा, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। अगर बेदीराम अपनी सफाई में कुछ कहते हैं तो यूपी तक उसे भी अपने प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता से जगा देगा। जौनपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक। वहीं पर सीएम योगी को जाना जाता है ईमानदारी के लिए और वो लगातार छवि बदलने को लेकर के अपनी जो रोजगार को लेकर के जो किरकिरी हुई है इनकी पिछले 6-7 साल के कार्यकाल की, यहाँ पर देख सकते हैं। ये आज ही का न्यूज है, आपने सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखा होगा। सरकार देगी 13,000 नौकरियां, सभी जो टीवी चैनल है उसमें ये न्यूज आ रही है। और जो सुबह दिखाया गया था कि जे की वैकेंसी आएगी, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी, लेखपाल की वैकेंसी आएगी, और इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी जानकारी दी थी। और वहीं पर जो एनडीए गठबंधन के जो विधायक हैं वो सरकार की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। अब विद्यार्थियों की ये मांग है कि क्या जो 1 करोड़ रुपए जुर्माने वाला कानून सीएम योगी लाए हैं, जो अध्यादेश को मंजूरी कैबिनेट ने प्रदान की है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा का भी इंतजाम किया गया है, क्या वो इन विधायक पर लागू होगी? और वास्तव में ऐसे कानून की आवश्यकता थी, और वास्तव में सीएम योगी जी ने ये अच्छा किया कि कम से कम ये कानून लेकर के आए। और जब ये कानून नहीं था तभी इस तरीके के लोग जेल जाते थे, जेल से निकल करके आते थे, तुरंत जमानत हो जाती थी और फिर ब्लॉक प्रमुख बनते थे, विधायक बनते थे और मंत्री बनते थे, और वो तो अच्छी बात है। लेकिन अब ये देखना होगा कि अपने ही विधायक पर ये कार्रवाई होती है या नहीं होती, ये एक बड़ा सवाल है। जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो छात्र संगठन हैं, जो छात्र हैं, वो अब ये मांग कर रहे हैं और उम्मीद है कि सीएम योगी निश्चित तौर पर न्याय करेंगे। फिलहाल ये समाचार पत्र हैं बहुत सारे, जिसमें जो अभी आपने वीडियो के शुरुआत में एक क्लिप देखी, सुबह सपा के जो विधायक हैं बेदीराम की क्या बात कर रहे हैं, लिखा वीडियो में बेदीराम कहते हैं कि मैं बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश कई राज्यों में भर्तियां कराता हूं, एक एक परीक्षा में 40-40 लोगों में भर्तियां कराता हूं, वह साथ बैठे व्यक्तियों से यह भी कह रहे हैं कि मेरा नाम मत लें। लिखा है, ये भास्कर समाचार पत्र है जिसमें जानकारी दी गई है, लिखा है कि बार बार टरका रहे थे विधायक तो वायल कर दिया, विद्यार्थी के साथ नियुक्त नहीं हो पाई होगी तो पैसे उन्हें वापस मांग रहा होगा। लिखा है कि जिस युवक ने ये वीडियो बनाया है वह मूल रूप से जौनपुर का रहने वाला है, करीब 3 महीने पहले वह बेदीराम से मिलने उनके गाजीपुर वाले घर पहुंचा था, वहां उसने बेदीराम से हुई बातचीत का वीडियो बना लिया, इसके बाद वह लगातार विधायक से अपने पैसे मांग रहा था मगर विधायक कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे, विधायक युवक से मिलने से कतरा भी रहे थे, 1-2 दिन पहले युवक ने विधायक से मिलने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हुआ। और उसके बाद में ये जो पूरी बातचीत आपने सुनी है ये यहाँ पर ये दी गई, जिसमें जो ये वायरल वीडियो है, लिखा है कि विधायक जी कह रहे हैं कि उनसे बता दीजिए कि रिजल्ट निकल जाए, सारी जिम्मेदारी केवल रिजल्ट तक रहती है, और युवक कहता है कि नियुक्ति तक की जिम्मेदारी वो मेरे ख्याल से विधायक नियुक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। तो ये सब बातें यहाँ पर हो रही हैं जो आपने सुनी है। और इसके पहले ये 2014 में ये जो विधायक है वो गिरफ्तार भी हो चुके थे लखनऊ से, आसियाना मिन का आवाज भी है। वहीं पर अब जो छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, जो विपक्ष है, सभी लोग ये मांग कर रहे हैं कि चाहे इस पार्टी का विधायक हो चाहे उस पार्टी का विधायक हो, और सीएम योगी इस पर न्याय करें। देखिए एक शिक्षक हैं अमरेंद्र वत्स, इनका क्या कहना है, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वायरल करें। तो मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि अन्याय सुनकर चुप रहे ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने भाई को भी दंड देना धर्म है, इस नीति का पालन करते हुए माननीय विधायक जी पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इसी कानून के अंतर्गत। धन्यवाद।